हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है हमारी पाइप्स में, उसको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया था, माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस जो ड्यू टू फ्रिक्शन है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारे माइनर लॉसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे माइनर लॉसेस होते हैं यहाँ पर थे हमारे मेजर लॉसेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, विच इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो माइनर लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं ये देखते हैं। तो माइनर लॉसेस में हमारे आते हैं फर्स्ट, ड्यू टू, जैसे हमारा पाइप में लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें सडन इन्लार्जमेंट हो सकता है, सडन कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, या फिर हम कहें कि सडन उसमें किसी टाइप का कोई अब्स्ट्रक्शन आ सकता है। तो इस टाइप से हमारे लॉस ऑफ हेड होते हैं पाइप्स में। तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सपोज़ हमारा जो पाइप्स है उस पाइप में, जैसे ये हमारा पाइप है और इस पाइप में सडनली एनलार्जमेंट हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। सपोज यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी वन है और यहाँ पर हमने वेलोसिटी मान लिया वी टू मान ली। तो यहाँ पर जो हेड लॉस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो एच एफ इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू अपॉन टू जी, और वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें सेकेंड है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमारा ये पाइप है और उस पाइप में क्या होता है, सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो तब हमारा जो लॉस ऑफ हेड होगा उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो वी वन थी, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो वी टू थी, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो लॉस ऑफ हेड होगा वो होगा हमारा एच एफ इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। वी टू यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्ट्रेक्शन पाइप है वहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होगी हमारी वी टू, ठीक है। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट नंबर थ्री, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड ऑफ द पाइप, ठीक है, ड्यू टू बेंड ऑफ पाइप, ठीक है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड ऑफ पाइप, ठीक है। जैसे हमारा लिक्विड फ्लो करता है पाइप से और उस पाइप में सडनली इस टाइप का कोई बेंड आ जाता है, तो उसमें उसके द्वारा जो लॉस ऑफ हेड होगा उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एच एफ इज इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। यहाँ पर वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, एंड जो के है हमारा, इस के को कहा गया है एक कोफिशियंट, जिसको कहा गया है कोफिशियंट ऑफ बैंड। के क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ बैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बैंड के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ द पाइप, फोर्थ पॉइंट है हमारा। जैसे हमारे कोई टैंक है हमारे पास, उस टैंक में एक ये रिजर्वायर लगा हुआ है जिससे कि लिक्विड फ्लो करता है, और यहाँ पर जहाँ पर पानी एंट्रेंस करता है पाइप में, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस करने के थ्रू इसमें जो लॉसेस होंगे उसी को कहा गया है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पाइप, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू की इस कैसे कैलकुलेट होगी, एच आई एंट्रेंस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 0.5 वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। यहाँ पर वी क्या है हमारी, वेलोसिटी इन द पाइप, जो लिक्विड की वेलोसिटी है, ठीक है। अब सेम लॉसेस हमारे किस में हो सकते हैं, जैसे हमारा
लिक्विड फ्लो करता है पाइप से, और जब एग्ज़िट करता है वो एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर भी लॉसेस होंगे हमारे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, उसे कहा जाएगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एग्ज़िट ऑफ पाइप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एग्ज़िट ऑफ पाइप। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी एच ई, या हम कहें एच ओ एच नॉट इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एग्जिट पे जो हमारी लॉस ऑफ हेड होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है हमारा कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइप। जैसे सपोज हमारा लिक्विड इस पाइप में फ्लो करता है और यहाँ पर किसी टाइप का ये एब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिससे हमारा जो लॉस ऑफ हेड होता है, ठीक है, सपोज मान लिया कि जो एरिया ऑफ द पाइप है वो कैपिटल ए है और जो ये एब्स्ट्रक्शन है इसका मैक्सिमम एरिया, जहाँ पर भी इसका मैक्सिमम एरिया है वो सपोज मान लिया हमने स्मॉल ए है। ठीक है, और जो लिक्विड फ्लो करता है इस पाइप से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो मान लिया हमने वी है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन इस लिखेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन इन पाइप। ठीक है, इसको कहा जाएगा ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन इन पाइप। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी एच ए एब्स्ट्रक्शन इन पाइप हेड लॉस ड्यू टू विच इज इक्वल टू, इसमें लिखा जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, इन टू इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी जो कैपिटल ए है यानी एरिया ऑफ द पाइप अपॉन सी सी कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारी ड्यू टू एब्स्ट्रक्शन इन पाइप्स। ठीक है, तो ये थे हमारे माइनर लॉसेस इन द पाइप। थैंक यू।